अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ आईसीटी उस ब्रांच का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जो क्वेश्चंस प्रीवियसली टेस्ट में आ चुके हैं, वो तमाम एमसीक्यूज आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह ये आपको आपके टेस्ट में काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। सो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल इज सुटेबल फॉर प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज ऑफ डैश लाइन ऑफ कंट्रोल्स। बिल्ड एंड फिक्स मॉडल जो है वो सुटेबल होता है किस प्रोग्रामिंग के लिए? प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल, कितनी लाइन्स ऑफ कंट्रोल के लिए जो है बिल्ड एंड फिक्स मॉडल हम यूज़ कर सकते हैं? 100 to 200 लाइन्स हो ऐसे प्रोग्राम के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। 300 to 400 लाइन्स हों, 600 to 700 लाइन्स हों, या फिर अबव 800 लाइन्स हों। सो द करेक्ट ऑप्शन इज 100 to 200 लाइन्स का छोटा सा जो प्रोग्रामिंग हो उसके लिए हम लोग बिल्ड एंड फिक्स मॉडल यूज़ कर सकते हैं किसी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क इज फिजिकल या फिर लॉजिकल अरेंजमेंट जो होता है नेटवर्क का उसके लिए हम क्या यूज़ कर उसको क्या कहते हैं? टोपोलॉजी कहते हैं, राउटिंग कहते हैं, नेटवर्किंग कहते हैं, या फिर कंट्रोल कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज टोपोलॉजी, उसे हम टोपोलॉजी कहते हैं। विच मेथडोलॉजी इज़ यूज टू परफॉर्म मेंटेनेंस टेस्टिंग? मेंटेनेंस टेस्टिंग के लिए कौन सी मेथडोलॉजी जो है वो यूज़ की जाती है? ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट, कन्फर्मेशन टेस्टिंग, रीटेस्टिंग, या फिर सैनिटी टेस्टिंग? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फेज ऑफ एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? कौन सा फेज जो है अभी जो ऑप्शंस मैं आपके साथ शेयर करूंगी उनमें से कौन सा फेज जो है वो एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का वैलिड फेज नहीं है? टेस्टिंग फेज, रिक्वायरमेंट फेज, डिप्लॉयमेंट फेज, या फिर टेस्टिंग क्लोजर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज टेस्टिंग फेज। विच टोपोलॉजी हैज़ मल्टीपल कनेक्शंस? कौन सी टोपोलॉजी के मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं? रिंग टोपोलॉजी के, बस टोपोलॉजी के, स्टार टोपोलॉजी के, या फिर मैश टोपोलॉजी के? सो द करेक्ट ऑप्शन इज बस टोपोलॉजी। विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्टिंग इज आल्सो नोन एज वाइट बॉक्स टेस्टिंग? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग होती क्या है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग ये होती है कि ऐसा टेस्टर जिसको नो हाउ होती है कोड की भी और टेस्टिंग की भी, जो टेस्ट कर रहा हो साथ उसे पता हो कि कोड क्या है, उसको हम कहते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग। सो ऑप्शंस देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, एरर गेसिंग टेक्निक, डिज़ाइन बेस्ड टेस्टिंग, या फिर नन ऑफ द अबव। सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। वट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है? सिस्टम डिज़ाइन, कोडिंग, सिस्टम टेस्टिंग, या फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस? सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन एंड एनालिसिस जो है वो फर्स्ट स्टेप है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर। रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट, रिक्वायर्ड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट, रैपिड एप्लीकेशन डिवेलपर्स, या फिर रैपिड एप्लीकेशन डिस्पोजिशन? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रैपिड एप्लीकेशन डिवेलपमेंट। मैश टोपोलॉजी हैव डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड वाया? मैश टोपोलॉजी के पास जो डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्ट होती हैं, मतलब मैश टोपोलॉजी की डिवाइसेस सिंगल एंड मल्टीपल लिंक्स के साथ, मल्टीपल पॉइंट्स के साथ, पॉइंट टू पॉइंट लिंक हो रही होती है वो डिवाइसेस, या फिर नो लिंक? सो द करेक्ट ऑप्शन इज पॉइंट टू पॉइंट। मैश टोपोलॉजी की जो डिवाइसेस हैं वो पॉइंट टू पॉइंट लिंक हुई होती हैं। हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर का जो फादर है वो कौन है, किसे कहा जाता है? जेम्स जोसलिंग, चार्ल्स बेबिज, डिजिन रिचर्ड, या फिर नन ऑफ दीज? सो द करेक्ट ऑप्शन इज चार्ल्स बेबिज। चार्ल्स बेबिज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्टेप्स इन द एस डी एल सी फ्रेमवर्क? अब यहाँ पर टर्म देखें, फ्रेमवर्क, एस डी एल सी के फ्रेमवर्क के अंदर जो है वैलिड स्टेप्स कौन से हैं? रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, या फिर ऑल ऑफ द अबव? सो ये जो तमाम हैं ये एस डी एल सी के फ्रेमवर्क के जो हैं वो वैलिड स्टेप्स हैं। Which of the following is the first step of SDLC framework? अभी तो हमने देखा कि वो तमाम जो हैं वैलिड हैं, पर फर्स्ट स्टेप कौन सा है?
फिजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कम्युनिकेशन, सिस्टम एनालिसिस। ये तमाम करने से पहले सबसे पहले ज़रूरी है कि हम उनसे कम्युनिकेशन करें, उनसे कम्युनिकेट करें कि वो बनवाना क्या चाहते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उनकी। उसके बाद हम लोग वो रिक्वायरमेंट्स गैदर करेंगे। सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है। हु डिवेलप स्टैंडर्ड फॉर OSI रेफरेंस मॉडल। OSI रेफरेंस मॉडल जो है उसके लिए जो है स्टैंडर्ड्स किसने डिफाइन किए थे? ANSI अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, IEEE इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, या फिर ACM एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। components that provide internal storage to the CPU are dash registers, program counters, controllers, ya phir internal chips. So the correct option is registers. Saving data and instructions to make them readily available is the job of kiski job hoti hai? Storage unit ki, cache unit ki, input unit ki, ya phir output unit ki. तो सेविंग डाटा इंस्ट्रक्शंस टू मेक रेडिली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ किसकी जॉब है? स्टोरेज यूनिट की। फ्लो कंट्रोल इन OSI मॉडल इज डन बाय। फ्लो कंट्रोल जो OSI मॉडल के अंदर हो रहा होता है वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कौन सी लेयर की? डाटा लिंक लेयर की, नेटवर्क लेयर की, ट्रांसपोर्ट लेयर की, या फिर सेशन लेयर की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज डाटा लिंक लेयर। The number of layers in ISO OSI reference model is dash. कितनी layers होती हैं OSI model के अंदर? 4, 5, 6 या फिर 7. OSI reference model के अंदर 7 layers होती हैं. TCP/IP model was developed dash the OSI model. TCP/IP model जो है develop हुआ OSI model के prior to मतलब पहले, आफ्टर उसके बाद OSI मॉडल के बाद जो है वो TCP/IP मॉडल आया। साइमल्टेनियस टू मतलब साथ साथ ही दोनों डेवलप हुए, या फिर विद ऑन विद नो लिंक टू मतलब इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है एक। सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्रायर टू टी। ULSI स्टैंड्स फॉर अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अंडर लो स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लोअर स्केल इंटीग्रेशन, या फिर अंडर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 टू 1964। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, या फिर फोर्थ जनरेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड जनरेशन। ये जो टाइम पीरियड है ये सेकंड जनरेशन का है। TCP/IP मॉडल डज नॉट हैव डैश लेयर्स बट OSI मॉडल हैव दिस लेयर। कौन सी लेयर है जो TCP/IP मॉडल के पास नहीं है बट OSI मॉडल की है? सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, या फिर नेटवर्क लेयर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेशन लेयर। द डैश लेयर इज अ 7 लेयर आर्किटेक्चर वेयर ईच लेयर हैज सम स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू परफॉर्म। कौन सी लेयर ऐसी कौन सा मॉडल ऐसा है जिसके अंदर 7 लेयर्स आर्किटेक्चर है और हर लेयर की स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है जो वो परफॉर्म करते हैं? TCP/IP मॉडल की, क्लाउड की, OSI की, या फिर OIS की? सो द करेक्ट ऑप्शन इज OSI मॉडल की। विच इज नॉट अ फीचर ऑफ OOP इन जनरल डेफिनेशंस। OOP का जो है फीचर कौन सा नहीं है जनरल डेफिनेशन में? एफिशिएंट कोड, कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्युलैरिटी, डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंट डाटा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंट डाटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन। इनमें से कौन सा है जो टाइप नहीं है कंप्यूटर की ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, या फिर रिमोट? सो द करेक्ट ऑप्शन इज रिमोट। Which of the following step of computer is mostly used for automatic operations? इनमें से कौन से कंप्यूटर की टाइप है जो यूज होती है ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए? एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड, या फिर रिमोट?
सो द करेक्ट ऑप्शन इज़ हाइब्रिड। हाइब्रिड जो है वो कंप्यूटर की टाइप है जो ऑटोमेटिक ऑपरेशंस के लिए यूज़ होती है। विच वॉज द फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिवेलप। कौन सी प्रोग्रामिंग सबसे पहली जो है फर्स्ट प्योरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी? कॉटलिन, स्मॉल टॉक, जावा या फिर C++? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्मॉल टॉक। विच फीचर ऑफ ऊप इंडिकेट्स कोड रीयूजिबिलिटी? कौन सा फीचर ऊप का है जो कोड रीयूजिबिलिटी के लिए यूज होता है? एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन या फिर इनहेरिटेंस? सो द करेक्ट ऑप्शन इज इनहेरिटेंस। विच हेडर फाइल इज रिक्वायर्ड इन C++ टू यूज़ ऊप? ऐसी कौन सी हेडर फाइल है जो C++ के अंदर यूज़ होती है कि हम उसे ऊप जो है वो यूज़ करें? ऊप कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। stdlib.h ये जो है वो इंक्लूड करेंगे अगर हेडर में तो क्या हम यूज़ कर सकेंगे? iostream.h या फिर stdio.h? सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऊप कैन बी यूज विदाउट यूजिंग एनी हेडर फाइल। द टोपोलॉजी विच रिक्वायर अ सेंट्रल कंट्रोलर और हब इज? ऐसी टोपोलॉजी जो रिक्वायर करती है सेंट्रल कंट्रोलर और हब उसे क्या कहते हैं? मैश टोपोलॉजी कहते हैं, स्टार टोपोलॉजी कहते हैं, बस टोपोलॉजी कहते हैं या फिर रिंग टोपोलॉजी कहते हैं? सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्टार टोपोलॉजी। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियोस देखा करें, बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया।